दोस्तों स्वागत है हिमगाड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम बात करेंगे कि अगर एक सेम आरओ में 100 जीपीडी का पंप लगा हो और दूसरे में 75 जीपीडी का पंप लगा हो तो उससे फ्लो में क्या अंतर रहता है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली कर दिखाएंगे। पहला डेमो जो हम दिखाने जा रहे हैं वो 75 जीपीडी का पंप लगा कर दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम 100 जीपीडी का पंप लगाएंगे और साथ में 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगाएंगे और जो 75 जीपीडी का पंप है उसके साथ 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्स प्योर लेक्स क्रू बूस्टर पंप जो 75 जीपीडी का पंप है, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो इनिशियल जो करंट लेता है वो लेता है 1.5 एम्पीयर। इनिशियल का मतलब होता है कि जैसे ही हम पंप को ऑन करते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं, तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेता है 1.5 एम्पीयर, और जैसे ही रनिंग में आ जाता है, नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है, तो ये 0.8 एम्पीयर पे आ जाता है। तो क्योंकि हमें चाहिए स्टार्टिंग में 1.5 एम्पीयर मैक्सिमम करंट, तो इसके लिए हम चूज़ करते हैं 2 एम्पीयर और 2.5 एम्पीयर की SMPS। तो अब हम इसका फ्लो चेक कर रहे हैं कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में ये एक गिलास जो है पानी का भरेगा। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम 75 जीपीडी का पंप लगाते हैं तो उसके साथ मेम्ब्रेन भी 75 जीपीडी की या फिर इसके नज़दीक जैसे 80 जीपीडी की आती है वो चूज़ करनी चाहिए। इससे हमारा जो फ़्लो है प्रॉपर काम करेगा। दूसरी SMPS भी हमारी जो है, अगर हम 75 जीपीडी का पंप यूज़ करते हैं 2.5 एम्पीयर और 2 एम्पीयर की होनी चाहिए। ये हमारा प्रॉपर कम्बिनेशन बन जाता है। जो इसकी FR यूज़ कर रहे हैं वो 450 की होनी चाहिए। तो इससे हमारा जो फ़्लो है बढ़िया हो जाएगा। और जैसे हम अभी हम नोट कर रहे हैं कि ये तकरीबन एक मिनट और 20 सेकंड में एक गिलास भर देता है, मतलब कि 10 गिलास एक लीटर भरने के लिए ये टोटल टाइम लेगा 15 मिनट के करीब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको छोटी से छोटी जानकारी भी वाटर फिल्टर के रिगार्डिंग, हर इन्फॉर्मेशन वाटर फिल्टर के रिगार्डिंग मिल जाएगी, और आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी आपको कोई दिक्कत आती है, वो आप इस पे देख सकते हैं, इसका हल देख सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 100 जीपीडी पंप की जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और बहुत ही हैवी ड्यूटी है। तो इसके अगर हम इनिशियल करंट की बात करें तो इसको चाहिए 1.4 एम्पीयर और 24 वोल्ट पर ही ये भी ऑपरेट होता है। और इसका साथ में जो वर्किंग करंट है वो है 1.2 एम्पीयर। तो दोस्तों ये देखने में थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं। तो इसका हम फ्लो अभी चेक करेंगे कि ये जो एक गिलास पानी का है कितने टाइम पे पूरा भर देता है। पहले का जो हमने चेक किया था वो था तकरीबन 1 मिनट 22 सेकंड, और अब इस पे हम चेक करने वाले हैं कि ये पानी का गिलास कितने टाइम में भरता है। तो चलिए ऑन करते हैं पंप को, और इसको जो हमने सप्लाई दी है वो दी है 3 एम्पीयर की, 24 वोल्ट 3 एम्पीयर, क्योंकि 100 जीपीडी का पंप है तो हैवी ड्यूटी हमने जो साथ में SMPS लगाई है। और जो मेम्ब्रेन इसमें डालनी चाहिए वो 100 जीपीडी के साथ आप 100 जीपीडी की ही मेम्ब्रेन डालिए, और अगर नहीं है तो 90 जीपीडी तक आप डाल सकते हैं। तो अभी हम स्टार्टअप करते हैं इसका, और साथ में अब हम पानी का गिलास जो है चेक करेंगे रखकर कि कितने टाइम में भर जाता है। फ्लो से इसके आइडिया हो जाएगा कि 75 जीपीडी का पंप है और साथ में 100 जीपीडी का पंप है, उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। तो इसके लिए हमने FR फिर वही यूज़ की है 450, जो सप्लाई यूज़ की है हमने वो किया 3 एम्पीयर 24 वोल्ट, और मेम्ब्रेन हमारे पास अभी 90 जीपीडी की अवेलेबल थी तो फ़िलहाल हमने वही लगाई है। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं, आप भी देखिएगा ये कितने सेकंड में जो है गिलास भर देता है। जो पिछला 75 जीपीडी का हमने पंप लगाया था वो भरा था तकरीबन 1 मिनट 22 सेकंड में, और अभी ये मेरा ख्याल है कि 40 से नीचे ही ये गिलास को पूरा भर देगा 40 सेकंड से पहले। तो ये दोस्तों ये फ़र्क है 75 और 100 जीपीडी का, दोनों में तकरीबन देखें 25% टाइम लेस लगता है अगर 100 जीपीडी का हम पंप लगाए और दूसरा अगर 75 जीपीडी का पंप लगाए। तो जैसे हमारा बजट होता है वैसा ही आरओ होता है, और उसी के हिसाब से अंदर पंप या सप्लाई और मेम्ब्रेन लगी होती है। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हिमगाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।